तो यार अगर आप भी एक रेफ्रिजरेटर सर्च कर रहे हो एंड आपका ये बजट अराउंड 15,000 के आसपास है तो यार आप बिल्कुल सही जगह पे हो, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तीन ऐसे रेफ्रिजरेटर्स जो कि अच्छे ब्रांड्स की ओर से तो होंगे ही होंगे, एंड इसमें आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर आप परचेज कर लोगे फ्रिज तो आपको आफ्टर सर्विस भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है इनकी तरफ से। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट रेफ्रिजरेटर जो हमने अपनी लिस्ट में रखा है वो है एलजी की तरफ से। इसमें आपको 185 लीटर तक की कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी एंड 3-स्टार रेटिंग के साथ आपको देखने को मिलेगा। ये डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर देखने को मिलेगा एंड इकोनॉमिकल एंड स्टाइलिश तो है ही है ये। इसमें आपको टफ एंड ग्लास शेल्स देखने को मिल जाएंगी। इसमें आपको फ्रीजर की कैपेसिटी अराउंड 16 लीटर्स की देखने को मिल जाएगी एंड 169 लीटर्स की आपको रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको डोर लॉक जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। ये आपको स्टेबिलाइजर फ्री में देखने को मिलेगा, मतलब आपको अलग से स्टेबिलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो मटेरियल इसको बनाने में यूज़ किया गया है वो है प्लास्टिक एंड स्टील एंड इसमें आपको 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी देखने को मिल जाएगी एंड 10 ईयर्स की कंप्रेसर वारंटी देखने को मिल जाएगी। ये आपको अराउंड 15,000 से 15,500 के आसपास में देखने को मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर की तरफ जो है सैमसंग की तरफ से। इसमें आपको 183 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी एंड ये भी 3-स्टार रेटिंग के साथ देखने को मिलेगा। ये भी एक डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है। इसमें आपको 18 लीटर की फ्रीजर कैपेसिटी देखने को मिलेगी एंड 165 लीटर की रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी देखने को मिलेगी। ये रेफ्रिजरेटर आपका 162 यूनिट्स एनुअली कंज्यूम करता है जो कि काफ़ी कम है एंड उसका रीज़न भी मैं बताऊँगा आगे कि इतनी कम यूनिट कैसे कंज्यूम कर रहा है। एंड इसमें आपको टफ एंड ग्लास शेल्स देखने को मिल जाएंगे। स्टेनलेस स्टील मटेरियल यूज़ किया गया है। इसमें जो मेन रीज़न है ना कि ये 162 यूनिट्स ही कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि जनरली यह होता है कि अराउंड 200 यूनिट्स के आसपास रेफ्रिजरेटर कंज्यूम करता है एनुअली। तो इसका मेन रीज़न जो है ना ये वो है डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर लगा हुआ है इसमें, मतलब एक स्मार्ट कंप्रेसर आप कह सकते हो जो कि अपने अकॉर्डिंगली आपके फ्रिज में जो सामान रखा है उसको कूलिंग प्रोवाइड करता है। और अगर उसे लगता है कि ना कि आपका फ्रिज इनफ कूल है तो वो उसकी फ्रीजिंग कम कर देता है जिससे आपका बिजली का बिल कम आता है। इसमें आपको 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी देखने को मिल जाएगी एंड 20 ईयर्स की कंप्रेसर वारंटी देखने को मिल जाएगी। ये आपको अराउंड 14,500 के आसपास में देखने को मिल जाएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं इस लिस्ट के लास्ट फ्रिज की तरफ जो है वर्लपूल की तरफ से। इसमें आपको 184 लीटर तक की कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी एंड ये फ्रिज आपको 2-स्टार रेटिंग में देखने को मिलेगा। ये एक डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है। इसमें आपको 14.3 लीटर का फ्रीजर कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी एंड 169 लीटर का रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी देखने को मिलेगी। ये फ्रिज आपका 190 यूनिट्स एवरेज यूनिट्स कंज्यूम करता है एनुअली एंड इसमें भी आपको 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी एंड 10 ईयर की कंप्रेसर वारंटी देखने को मिल जाएगी। ये रेफ्रिजरेटर आपको 12,000 से भी कम प्राइस में देखने को मिल जाएगा एंड इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। एंड यही थी आज की लिस्ट जिसमें हमने तीन ऐसे रेफ्रिजरेटर्स के बारे में बात करी जिसमें आपको अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अपडेटेड लिस्ट है एंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।